होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। और नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ शो ट्रॉलिंग सेलिब्रिटी। ट्रॉलिंग सेलिब्रिटी में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे चेहरों के बारे में जो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चाओं में बने हैं। वेल, वैसे अगर ट्रॉलिंग की वर्ड की बात करें तो ये बड़ा कॉमन सा शब्द हो गया है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर अगर आप मौजूद हैं, सोशल मीडिया से आप कनेक्टेड हैं, तो आप ट्रॉलिंग जैसे शब्द से वाकिफ होंगे। और बात अगर किसी सेलिब्रिटी की आती है तो भाई उनका ट्रॉल होना बड़ा ही आम हो गया है। सेलिब्रिटी कुछ भी पोस्ट करते हैं, कई इवेंट में नजर आते हैं, कोई स्टेटमेंट पास करते हैं, कोई पिक्चर शेयर करते हैं, कुछ अपडेट करते हैं, तो वो ट्रॉल हो जाते हैं। हाल फिलहाल राधिका आप्टे को ट्रॉल किया जा रहा है उनकी वेब सीरीज को लेकर। जी हाँ, इस पर राधिका आप्टे ने क्या कहा हम आप सभी को बताएंगे, और साथ ही साथ बताएंगे कि किस तरह अनुष्का शर्मा सोशल मीडिया पर अपने सुई धागा के लुक को लेकर लगातार बार बार ट्रॉल होती चली जा रही हैं। वहीं सोनम कपूर भी आ गई हैं आड़े हाथों ट्रॉलर्स के, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने भाई अर्जुन कपूर की वजह से। कैसे, नजर डाल लेते हैं रिपोर्ट पर। बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे आजकल काफी सुर्खियों में है। जी हाँ, राधिका आप्टे जो कि आर्ट सिनेमा की एक्ट्रेस के रूप में भी जानी जाती हैं। आप सभी को बता दें कि राधिका आप्टे जो कि नेटफ्लिक्स पर पिछले कुछ हफ्तों में वो लव स्टोरीज नाम की फिल्म और सेक्रेट गेम जैसी वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं, और नेटफ्लिक्स पर अक्षय कुमार की फिल्म बैडमैन भी लॉन्च हुई थी। इस फिल्म में भी राधिका आप्टे ने अक्षय कुमार के अपोजिट रोल किया था। जी हाँ, जाहिर है राधिका की जबरदस्त मौजूदगी ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। आप सभी को बता दें कि राधिका पर कई फनी और दिलचस्प मीम्स बन रहे हैं, और आलम यह था कि नेटफ्लिक्स को सोशल मीडिया यूजर्स रेडफ्लिक्स तक कहने लगे थे। आप सभी को बता दें कि राधिका ट्रेंड होने लगी तो नेटफ्लिक्स इंडिया ने भी अपने ही अंदाज में इस ट्रेंड को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया। जी हाँ, उन्होंने भी राधिका को इनडायरेक्टली प्रमोट कर दिया। वेल, आप सभी को बता दें कि राधिका आप्टे को जब ट्रॉल किया जाने लगा तो एक यूजर ने राधिका आप्टे के ट्रेंड को देखा। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि उन्होंने अपने फैन को काफी ज्यादा फनी रिप्लाई भी किया है। बता दें कि इंस्टाग्राम पर नेटफ्लिक्स इंडिया के ऑफिशियल अकाउंट पर ये लिखा गया है कि ये अकाउंट राधिका आप्टे का फैन अकाउंट है। जी हाँ, यानी कि नेटफ्लिक्स के अकाउंट को राधिका आप्टे का फैन अकाउंट बताया गया। बता दें कि ऐसी कई ऐसी बातें हैं जहां राधिका आप्टे जो कि लगातार ट्रेंड होती जा रही हैं। आप सभी को बता दें कि एक जगह जो राधिका आप्टे का वीडियो वायरल हो रहा है, दरअसल राधिका उसमें डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी के साथ नजर आ रही हैं, और अपनी इस पॉपुलैरिटी से काफी हैरान और खुश भी हैं। राधिका आप्टे ने इसमें कहा, मैं बेहद खुश हूँ, मेरे हिसाब से ये बेहद खास कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि नेटफ्लिक्स एक शानदार प्लेटफॉर्म है। आखिर कौन नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा। नेटफ्लिक्स क्वालिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है क्योंकि ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। वो आपको अपनी पसंद का टॉपिक, प्रोजेक्ट और क्रिएटिव कंट्रोल की आजादी देते हैं, लेकिन वो क्वालिटी को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि हम ऐसा कंटेंट तैयार करते हैं जिनकी यूनिवर्सल अपील होती है, और ये बेहद जरूरी है क्योंकि इन्हें पूरा विश्व देखता है। कम से कम आर्ट की दुनिया में सरहदें कम होती जा रही हैं, और मेरे हिसाब से ये सिनेमा और आर्ट के लिए बेहतर समय है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि जहाँ राधिका आप्टे को लगातार बार बार ट्रॉल किया जाने लगा, लेकिन राधिका आप्टे ने अपने इस अंदाज को काफी पॉजिटिव तरीके से लिया। और दूसरी तरफ आप सभी को बता दें, जहाँ सोशल मीडिया पर मानो एक ट्रेंड सा बन गया है ट्रॉलिंग का, तो इसके अलावा जो ट्रॉल होने लगी हैं वो हैं राधिका के अलावा अनुष्का शर्मा। जी हाँ, अनुष्का शर्मा की फिल्म सुई धागा, जो कि इस समय उस फिल्म का ऑटोमेटिक प्रमोशन चल रहा है, अनुष्का शर्मा पर कई सारे मीम्स बन रहे हैं जिसे लेकर वो लगातार और बार बार ट्रॉल होती जा रही हैं। आप सभी को बता दें कि अनुष्का शर्मा जिन्हें लेकर
उनकी फिल्म सुई धागा में उनके अलग अलग लुक्स को लेकर लोग उनकी पिक्चर को यूज कर उन्हें लगातार ट्रॉल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी को बता दें कि अनुष्का शर्मा के मीम्स को लेकर वरुण धवन ने भी कहा है कि अनुष्का अब मीम्स की कह सकते क्वीन हो चुकी हैं। और वहीं ऐसे कई सारे मीम्स हैं जिनका शायद अनुष्का शर्मा वो पॉजिटिव तरीके से ले रही हैं। जी हाँ, ट्रॉलिंग को वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में ले रही हैं, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर फैंस बार बार ट्रॉल होते रहते हैं। तो ऐसे में हम यही कहना चाहेंगे, जहाँ स्टार्स ट्रॉल होते हैं तो वहीं कुछ स्टार्स इस ट्रॉलिंग का जवाब चुप्पी से देते हैं। जहाँ स्टार्स को वो कोई भी जवाब अपनी तरफ से नहीं देते, वहाँ यूजर्स के निशाने पर जब आते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। लेकिन वहीं बात करें कुछ सेलेब्स की, तो वहीं कुछ सेलेब्स इन ट्रॉलिंग जैसे सिलसिले को पॉजिटिव वे में लेते हैं। जी हाँ, पॉजिटिव तरीके से लेते हैं ये ट्रॉलिंग, और जहाँ वो ट्रॉलिंग को बड़े ही कामली हैंडल करते हैं, ठीक जैसा ही अनुष्का शर्मा और राधिका आप्टे ने भी किया। जी हाँ, राधिका आप्टे, और बात करें अनुष्का शर्मा ने ट्रॉलिंग को बड़े ही पॉजिटिव तरीके से लिया, जिसकी वजह से वो ट्रॉल हो रही थी। शो ट्रॉलिंग सेलिब्रिटी, जिसमें हमने आप सभी को बताया कि किस तरह सेलेब्स को लगातार बार बार ट्रॉल किया जा रहा है। वैसे बी टाउन की सेलिब्रिटीज की बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि ट्रॉलिंग का सिलसिला चालू हो चुका है, अभी काफी लंबे समय से ये ट्रॉलिंग का सिलसिला जो लगातार चलता चला आ रहा है। अब ऐसे में अभी जो हाईलाइट हो रहे हैं वो हैं अनुष्का शर्मा, राधिका आप्टे। जी हाँ, ये चेहरे हैं जो अभी हाईलाइट किए जा रहे हैं ट्रॉलिंग में। और बात करें राधिका आप्टे की, तो भाई राधिका आप्टे खुश हो रही हैं, उन्होंने बड़े ही पॉजिटिव तरीके से इस बात को लिया है। तो वहीं बात करें अनुष्का शर्मा, तो अनुष्का शर्मा खुद भी इसे बड़े ही पॉजिटिव वे में ले रही हैं, क्योंकि अनुष्का शर्मा की बात करें तो अनुष्का शर्मा को आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कहीं पे भी बख्शा नहीं जा रहा, हर एक जगह आपको अनुष्का शर्मा से रिलेटेड मीम्स नज़र आ ही जाते होंगे। और वहीं बात करें, जैसा कि हमने आप सभी को रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरह से सोनम कपूर, जो कि ढीले ढाले सूट में नज़र आई थी, वो भी अपने उस लुक को लेकर ट्रॉल हो गई। वैसे सोनम कपूर की बात करें तो वो एक्सपेरिमेंट तो करती हैं अपने लुक से, लेकिन कभी कभी उनका वो एक्सपेरिमेंट डिजास्टर साबित हो जाता है और उसके बाद वो हो जाती हैं ट्रॉल। तो ये था आज का हमारा ट्रॉलिंग सेलिब्रिटी। कल फिर लेकर आऊंगी एक ऐसा ही खास प्रोग्राम, लेकिन अभी फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।